हरे कृष्णा। मनोज जी से निवेदन है, वो महाराज को माला अर्पण करके सम्मान बढ़ाएं प्लीज। शेखर जी आप आइए प्लीज प्लीज। पिताजी की याद आती है मुझे। रिमेम्बर योर डियर फादर मदर प्रसाद जी। मे बी दे कुड स्पीक फर्स्ट। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हरि हरि इन द बैक हरि बहु स्टॉप द कन्वर्सेशन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा गोविंद देव की। श्री श्री गौरनिथाय की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। गोविंद धाम की। श्रील प्रभुपाद की। दस वर्ष पूर्व आज के दिन नोएडा में भगवान प्रकट हुए। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान तो अपनी स्वेच्छा से ही आते हैं। संभवामि आत्ममायया कृष्णं संभवामि संभवामि मैं होता हूँ कैसे
आत्ममाया हरी हरी आप में से कौन कौन थे 10 वर्ष पूर्व जब इस मंदिर का उद्घाटन हुआ? आई थिंक मैनी ऑफ यू. अविस्मरणीय उत्सव ये भगवान राधा गोविंद का प्राकट्य दिन रहा. हरी हरी. वैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यह स्वयं भगवान ही है. यह श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य. जो चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण से अभिन्न है, मतलब राधा और कृष्ण 2 in 1, राधा और कृष्ण 2 हुए तो उनके एक स्वरूप बनते हैं, तबे हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु. और वैसे ये जो युग है कली युग, अब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का राज होगा. वेल, राम राज का स्वागत है कोर्स, लेकिन ये समय चैतन्य महाप्रभु का है जो कृष्ण ही है, या जो राम ही राम भी है. त्रेतायु के राम, द्वापारयु में प्रकट हुए श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं. और उनका प्राकट्य और एक रूप में होता है. एक तो विग्रह उनका है, सच्चिदानंद विग्रह मूर्ति, और दूसरा रूप है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम रूपे नाम के रूप में भगवान इस कलयुग में प्रकट होंगे, होते हैं, हुए हैं. हरी हरी. तो पहले भगवान का नाम प्रकट होता है और फिर धीरे धीरे मंदिर का निर्माण भी होता है और वहाँ भगवान आके विराजमान होते हैं. चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है, पृथ्वी ते अचजत नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम. इस पृथ्वी के हर देश के हर नगर और हर ग्राम में मेरे नाम का प्रचार होगा, ये भगवान की भविष्यवाणी है. और भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इन्होंने इस भविष्यवाणी को सच करके दिखाया. वेल, प्रारंभ तो किया ही, ये हमारा क्लेम नहीं है कि पृथ्वी पर के सारे नगरों में सारे ग्रामों में हम पहुँचे हैं या हरे कृष्ण वाले पहुँचे हैं, किंतु शुभारंभ तो हो चुका है. और जहाँ जहाँ नाम पहुँचता है वहाँ धाम भी प्रकट होता है, नाम से धाम तक. या जिनको नाम प्राप्त होता है या तो वे
वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम की ओर दौड़ते हैं, या मायापुर धाम के, या अयोध्या धाम के, जगन्नाथपुरी धाम के, संसार भर के लोग जिनको जिनको ये महामंत्र प्राप्त हुआ है वे सब दौड़ रहे हैं धामों की ओर, और साथ ही साथ जहाँ जहाँ वे नाम संकीर्तन करते हैं वहाँ के वो संकीर्तन करने वाले, जप करने वाले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एकत्रित होके फिर धीरे धीरे मंदिर की स्थापना भी कर रहे हैं। जय श्री राम। 22 जनवरी को राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, और राम राम लल्ला आ भी गए। जिस दिन तो मैं भी वहां था। हरी हरी। और आपने भी, आप जहां भी थे आपने उत्सव मनाया कि नहीं? दीपावली का, राम के आगमन की अगवानी अयोध्या में हुई और सर्वत्र हुई। अरे अरे, ये तो मैं उस समय भी सोच रहा था कि भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तो राम मंदिर की भी स्थापना लंदन में, इंग्लैंड की कैपिटल लंदन में 60 वर्ष पूर्व की है। जय श्री राम। वॉशिंगटन DC, द कैपिटल ऑफ अमेरिका, वार सीता राम लक्ष्मण हनुमान के दरबार की वहाँ स्थापना की, जहाँ अमेरिका का सरकार उनका दरबार वहाँ है, वहाँ पास में जस्ट नेक्स्ट डोर। और इतना ही नहीं, मोर देन 100 टेम्पल्स की स्थापना श्रील प्रभुपाद विश्व भर में की, ऑन ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑन द प्लैनेट। और अब हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, अभी भी मनाई गई 6-7-8 महीने पहले, तो 150 देशों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। अरी अरी, उतने ही देशों में गीता भागवत का अध्ययन हो रहा है, उतने ही देशों में गौशालाएं या जहाँ गो भक्षक थे वे गो रक्षक बन रहे हैं, बन चुके हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगथिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान गाय के और ब्राह्मणों के की आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, तो वैसे ही सेवा ब्राह्मणों की और गायों की विश्व भर में हो रही है, या विश्व भर में ब्राह्मण बन रहे हैं, सन्यासी बन रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म की स्थापना हो रही है। लोग अरी अरी आवाज स्टॉप। गुरुकुलों की स्थापना हो रही है। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरोर्हितम्। जैसे कृष्ण बलराम भी गुरुकुल में, हमारे देश में वैसे हर स्कूल गुरुकुल स्कूल हुआ करता था, और वहाँ के टीचर्स, अध्यापक
ऋषिज और मुनीज गुरुज हुआ करते थे और ये भारतवर्ष विश्व गुरु हुआ करता था। विश्व भर के लोग भारतवर्ष में आकर फॉर हायर एजुकेशन डीपर एजुकेशन राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम इसके अध्ययन के लिए विश्व भर के लोग यहाँ आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी आते थे, तक्षशिला आते थे, यहाँ वहाँ हरी हरी। तो ये भारतवर्ष विश्व गुरु रहा है। कुछ चिल्ड्रन भी कुछ थोड़ा हैव सम कंट्रोल। विश्व गुरु रहा है और विश्व गुरु रहेगा। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन फाउंडर आचार्य विश्व गुरु रहे। वैसे जगत गुरु तो टाइटल का उपयोग सभी करते ही है, किंतु श्रील प्रभुपाद जगत भर भ्रमण भी किए। 14 टाइम्स अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने भ्रमण किया और ये सब प्रारंभ कब हुआ? एट द एज ऑफ 70, 70 साल का व्यक्ति वैसे घर से बाहर भी नहीं निकलता, लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद विदेश या सात समंदर पार करके गए और उन्होंने भागवत धर्म सनातन धर्म का खूब प्रचार किया और धर्म संस्थापनार्थाय भगवान जिस उद्देश्य प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना उद्देश्य होता है वो कार्य आचार्य जब जब भगवान का प्राकट्य नहीं होता मतलब प्रकट लीला नहीं होती जैसे जय श्री राम। राम 11,000 वर्ष पृथ्वी पर थे धरातल पर रहे। श्री कृष्ण 125 वर्ष इस पृथ्वी पर अपनी लीलाओं का प्रदर्शन किए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु फॉर 48 ईयर्स। तो इन बिटवीन जब जब भगवान के इस प्रकार का प्राकट्य नहीं होता तो धर्म के संस्थापन का कार्य भगवान आचार्यों पर सौंप देते हैं या आचार्यों को गुरुजनों को पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं और वे बन जाते साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रे और उनसे ये धर्म संस्थापन का कार्य करवाते हैं। तो इन अभी या बीती हुई सेंचुरी में भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद वाज सच ए एम्पावर्ड आचार्य। और ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया और चैतन्य महाप्रभु की हुई भविष्यवाणी को सच करके दिखाए। और आपको पता है ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय कितने मंदिर खोलने वाला है? नोएडा इज जस्ट वन। या फिर वैसे इवन जस्ट इन NCR में ही वी हैव 20 टेम्पल्स। आपको शायद पता होगा नहीं होगा। Huge, big.
और इस राजधानी को, भारत की राजधानी को यह हरे कृष्ण आंदोलन धर्मधानी बना रहा है। युवकों को चरित्रवान बना रहा है ये हरे कृष्ण आंदोलन। द कैरेक्टर इज लॉस्ट, फिर क्या कहते हैं, एवरीथिंग इज लॉस्ट। एनीवे, कलेर दोष निधे राजन, उसकी चर्चा भी ना करे। इतने अवगुण है इस कलयुग के, इसीलिए भागवत में सुखदेव गोस्वामी कलेर दोष निधे राजन, ये राजा परीक्षित कलयुग के अवगुण तो इतनी है, निधि है या संग्रह है, दोष ही दोष है, अवगुण है, किंतु एक महान गुण भी है और वो क्या है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। ये भगवान का जो नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये क्या करता है, इन कली के जो दोष है, कली का जो प्रभाव है, उससे हमें मुक्त करता है। महाराज के जो या नृत्य नाटिका की जो प्रस्तुति हुई, उसमें जगाए मधाए का प्रस्तुत, हाँ जगाए मधाए, मैं थोड़ा लेट आया, अच्छा ओके, तो हुआ तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु संसार भर के जगाए मधाए के उद्धार के लिए प्रकट हुए, और ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, तो जित तो इस हरे कृष्ण आंदोलन का टारगेट है, लक्ष्य है, कितने मंदिर बनाएंगे पृथ्वी पर, जितने नगर है, जितने ग्राम है, उन सब नगरों में सब ग्रामों में एक तो हरि नाम पहुंचेगा, और उसी के साथ वहां मंदिर भी बनने वाले हैं। ये जो कली का जो डार्क पीरियड है, ब्लैक एज भी कहते हैं, इसी के मध्य में एक सुवर्ण काल है, गोल्डन पीरियड है, जिसका प्रारंभ चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से हुआ, सम 538 ईयर्स अगो। तो अगले और 9,500 वर्षों तक ये जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और साथ में नित्यानंद प्रभु, जो कृष्ण बलराम ही थे या वे राम लक्ष्मण ही थे, उन्होंने शुभारंभ किया संकीर्तन के पितरों, संकीर्तन आंदोलन के वे फाउंडिंग फादर्स रहे गौरांग नित्यानंद प्रभु। तो हम देख रहे हैं ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी सच हो रही है, सच हो चुकी है, और संसार भर के पापी जन अब पापी आत्मा पुण्यात्मा बन रहे हैं, इन हरे कृष्ण मूवमेंट का जो प्रचार है, जो जिसका आधार गीता भागवत ही है, और हरि नाम का प्रचार, हरि नाम का प्रचार, हम हरि को देते हैं नाम के रूप में, ये जो इस्कॉन के फॉलोअर्स अराउंड द वर्ल्ड है, हम लोग
लोगों को पाप से बचने से बचा रहे हैं. प्रभुपाद ने का आदेश ही रहा, यू हैव टू फॉलो फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स. रो क्या है? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नशापान नहीं, नो इलिसिट सेक्स, अवैध पुरुष स्त्री संग नहीं, नो गैम्बलिंग. भागवत में, श्रीमद् भागवत में हमें और अन्य ग्रंथों में, शास्त्रों में भी जानकारी मिलती है कि कली कली कलियुग, इसके चार अड्डे हैं, चार स्थानों में कली सक्रिय रहता है. और कली ही कलह का कारण और कई सारे, ये भोग विलास बढ़ाने का कारण. भगवान तो कहते हैं योगी भव योगी भव, लेकिन कली में प्रचार होता है भोगी भव भोगी भव. ठीक है, भोगी भव, फिर क्या होगा? फिर रोगी भव. हरी हरी. तो जहाँ अधिक भोग वहाँ अधिक रोग. लेटेस्ट सर्वे हुआ, ग्लोबल सर्वे, किस देश में सबसे अधिक लोग बीमार है पता है आपको? इसका सर्वे का रिजल्ट जब डिक्लेयर किए, कई साल पहले की बात है, तो मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ लिखा था अमेरिका इज नंबर वन सिक नेशन इन द वर्ल्ड. अरे अरे, तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे तो आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि अमेरिका इज नंबर वन भोगी देश है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो उस देश में सबसे अधिक भोगी भी है. तो वह इस भोगवाद से बचा रहा है ये हरे कृष्ण आंदोलन, इन चार नियमों का पालन करवा के. तो वह यह मंदिर कैसे बना नोएडा में, अभी मैं बताने वाला नहीं हूँ लेकिन सॉरी महाराज. तो वह सर्वत्र कैसे मंदिर बन रहे हैं, और कितने मंदिर हम लोग बनाने वाले हैं, और NCR में कितने बने हैं, उसमें यहाँ भी, ये सब के पीछे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के महाप्रभु की करुणा है. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्रे नमः. और वैसे फिर उन्होंने ही, वे ही आपको प्रेरणा देते हैं, इज विद इन योर हार्ट, और वे ही हमारे वल्लभ प्रसाद अग्रवाल जी को प्रेरणा दिए, और उन्होंने ही हम हरे कृष्ण भक्तों को भूमि दान दी. ये भूमि का दान देने वाले वल्लभ प्रसाद अग्रवाल है. और जब भूमि बनी, प्राप्त हुई हरे कृष्ण भक्तों के इस्कान को, तो फिर ये कुछ 13-14 वर्ष पूर्व की बात होगी. और फिर आप सभी ने फिर राधि गोविंद है, दिस वन दैट वन, अब मैं नाम, आप सभी के योगदान से, फिर तन से, मन से, धन से ये मंदिर का निर्माण हुआ. तो मंदिर कैसे बना? किसी एक ने नहीं बना, वैसे हम लोग
आराम से और बड़े विनम्र भाव से कहना, वी डिड इट, हमने बनाया, हम सभी ने बनाया। उसमें कोई हनुमान थे, वल्लभ प्रसाद अग्रवाल जी और कुछ गिलहरियाँ भी थी। तो जैसे वो सेतु सभी ने मिल के बनाया, सो लाइक वाइज दिस मंदिर भी नोएडा के ही नागरिकों ने, धनी दानी नागरिकों ने दान शूर दान वीर बन के दान दिया, धन दिया, श्रमदान दिया, आइडियाज दी, लाइक दैट। और फिर हमने ये मंदिर राधा गोविंद की सेवा में समर्पित किया उनकी प्रसन्नता के लिए। राधा गोविंद देव की जय। और इस सेवा से राधा गोविंद आप सबसे प्रसन्न है और आप सब पर वही कृपा दृष्टि वृष्टि, स्पेशली वे आप सबको प्रेम दे, प्रेममयी सेवा दे। द बेस्ट है कि वे आपको स्वयं को ही दे दे। यू गेट द आइडिया। से भगवान ने ओके, आप दो आए हो, मेरी सहायता चाहते हो, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र उस महाभारत युद्ध में, तो मैं दो बंटवारे या एक हिस्से में मेरी सेना होगी नारायणी सेना और दूसरे हिस्से में मैं रहूँगा, टेक अ पिक। तो बेचारे दुर्योधन ने क्या किया, उसने एक एक व्यक्ति लेके मैं क्या करूँगा, जस्ट वन पर्सन, आई रादर हैव बिग आर्मी एंड हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स एंड चैरियट्स एंड। तो किसकी चॉइस सही रही, अर्जुन की कि दुर्योधन की? व्हाट डू यू थिंक, आप किनके जैसे बनना चाहोगे? यस, हमारी प्रार्थना है कि आप सबको, आपने जो सेवा की है उसके बदले में भगवान ही प्राप्त हो, भगवान ही मिले। उनके नाम के रूप में, उनके लीला के रूप में, उनके प्रेम के रूप में। और जी जी आत्मा को तो यही, आत्मा की यही चाह है, दिस इज व्हाट द सोल इज डिजायरस, इंटेंसली डिजायरिंग टू हैव द लॉर्ड। Okay, in closing, I would say, मैं भी वहाँ witness था। प्रभुपाद जब जुहू बम्बई में, आप जानते हो where the जुहू बीच is famous and all that। तो वहाँ हरे कृष्ण लैंड है और वैसे मैं हरे कृष्ण वाला 72 में वही बना, आई वॉज वही, मैं ब्रह्मचारी आश्रम को ज्वाइन किया था। तो प्रभुपाद वहाँ जब मंदिर बना रहे थे, तो एनीवे टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वहाँ वल्लभ प्रसाद जैसे कहो एक वहाँ
भी दान दाता, मंदिर निर्माण में अपना पूरा योगदान दे रहे थे। और एक समय तो वे हम भक्तों के लिए भी कोई रेसिडेंशियल क्वार्टर्स नहीं थे, उसका कंस्ट्रक्शन वे कर रहे थे। अरे अरे, तो श्रील प्रभुपाद स्वयं वो कंस्ट्रक्शन देखने गए, आई थिंक सेकंड फ्लोर पर वो कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो वह प्रभुपाद जी कहे, तुम यहाँ भगवान और भगवान के भक्तों के लिए जो निवास स्थान का निर्माण कर रहे हो, भगवान तुम्हारे लिए वैकुंठ में तुम्हारे लिए निवास स्थान की व्यवस्था कर रहे हैं। इज मेकिंग नाइस रेसिडेंशियल फैसिलिटीज अवेलेबल इन हिज ओन अबोर्ड। सो इस प्रकार का रिवॉर्ड और भी शायद, या आप फोटोग्राफ दोगे वो भी कुछ कम नहीं है, ट्रॉफी दोगे या यू विल गिव अ गार्लैंड। लेकिन ये रिवॉर्ड कैसे आपको पसंद है? यदि आप भगवान आपको अपने धाम अपने घर बुलाएंगे और वही रखेंगे, वही रहने की व्यवस्था करेंगे, तो हरि बोल, संसार के झंझट से सदा के लिए मुक्त। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, क्या क्या झमेले, क्या क्या। परेशान हो कि नहीं, कि और चाहिए परेशानियां? यू नीड मोर? नो वन इज फ्री, आई नो, कोई फ्री नहीं है। फ्रीडम तो तब मिलता है जब हम भगवान की शरण में आते हैं और फिर भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, तुमने जाने अनजाने किए हुए पाप का फल तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा, मैं उनसे मुक्त करूंगा। और अंत में भगवान कहते, माँ सोचा, डू नॉट फियर, आई एम हियर, ओ डियर कम हियर। सो लॉर्ड इज वेलकमिंग, इनवाइटिंग यू ऑल, एंड यू आर आवर मोस्ट वेलकम्ड devotees and guests. So, माता जी तो कह रहे थे कि यहाँ आने पर लगता है कि कहीं यहाँ से जाए नहीं, तो मैं सोच रहा फिर रहो या तो ये वैसे आपका भी घर है ये भगवान, ये मैंने क्या क्या कहा जाए। This is also like a Govind Dham is Vaikunth on earth, Vrindavan on earth. नवाड़ा के बीच में यह वैकुंठ की स्थापना हो चुकी है। सो प्लीज टेक फुल एडवांटेज, और औरों को बताओ, भेजो यहाँ, भगवान आए हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, राधा गोविंद देव की जय, श्री प्रभुपाद की जय।